सिटी प्रेजेंट्स रेडियो सिटी रंगमंच। रेडियो सिटी रंगमंच में आज का रेडियो ड्रामा है 60 सेकंड्स। बड़े सवालों के जवाब कभी कभी छोटी सी चीजों में मिल जाते हैं। जिस बात ने महीनों तक उलझन में रखा उसे सुलझाने के लिए कभी कभी सिर्फ 60 सेकंड भी काफी होते हैं। ये जहां हम हैं यह है लिंक रोड वाली लाल बत्ती और अभी यहां आने वाले हैं रिया और विनय। सुनिए आज की कहानी 60 सेकंड्स। विनय ये रास्ता सही तो है ना? हाँ रिया ये रास्ता सही है। नहीं आई डोंट ट्रस्ट यू। मुझे अपना फोन दो। कहा था ना मैंने सही है। हाँ हाँ फाइन। रिया बार बार गूगल मैप के डिस्टेंस को देख रही है। थोड़ी देर तक कार में एक साइलेंस है। थोड़ी देर बाद विनय पूछता है रिया ये डिसीजन सही है? What do you mean by ये डिसीजन सही है? Of course ये डिसीजन सही है। हमने डिस्कस किया था ना पिछले एक महीने से डे एंड नाइट वी वर डिस्कसिंग दिस ओनली। तुम्हीं ने तो कहा था कि वी आर नॉट रेडी। ये तुम्हारे पास टाइम नहीं है। यू हैव प्रोजेक्ट्स मोर थिंग्स विल बी कमिंग अप। तुम टाइम नहीं दे पाओगे। तुम्हें वक्त चाहिए होगा। सारी बातें हुई थी यार। फिर तुम्हीं ने कहा था कि डॉक्टर के पास चलते हैं उनसे डिस्कस करते हैं। डॉक्टर नीना ने कहा कि इतना वक्त नहीं निकला है कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगी। तो आप ये सवाल क्यों? अरे नहीं मैं तो बस तुम्हारे लिए सोच रहा था। मेरे लिए क्यों? क्या ये सिर्फ मेरा अकेले का डिसीजन है? नहीं हमारा डिसीजन है। एंड लेट मी टेल यू कि तुमने कहा था कि हम फाइनेंशियली रेडी नहीं हैं, तुम्हारे फाइनेंशियल ड्रीम्स पूरे नहीं हुए हैं, यू थिंक फाइनेंशियल गोल्स बाकी हैं, तुम्हें लगता है तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो, यू रिमेंबर दैट? तो ठीक है हम दोनों का डिसीजन था एंड वी आर फाइन विद इट राइट। आई वाज जस्ट कंसर्न अबाउट यू। यार देखो मुझे इस पर और डिस्कस नहीं करना। पिछले एक महीने से शायद ही कोई ऐसी रात है जब मैं 2 घंटे से ज्यादा सोई हूँ। मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट है। कैन यू इमेजिन दैट? और उसके बाद आई मीन हम पहुँचने वाले हैं और इस वक्त ये सब डिस्कस करने का क्या मतलब है? ठीक है नहीं करते हैं डिस्कस। कार में एक अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जिसे वो तीनों फील कर पा रहे थे। हाँ वो तीनों लेकिन खास कर रिया। गाड़ी अपनी डेस्टिनेशन से कुछ दूर पहले एक सिग्नल पर आकर रुकी। रिया का ध्यान उस सिग्नल के टाइमर पर था। लिखा था 60 सेकंड्स, 60, 59, 58। रिया टाइमर के डिजिट्स देख रही थी। तभी उसकी विंडो साइड पर एक औरत आकर खड़ी हुई। उसकी गोद में छोटा सा बच्चा था प्यारा सा, जो अपनी माँ के बालों को बार बार खींच रहा था, उससे मस्ती कर रहा था। लेकिन उस औरत का ध्यान अपने बच्चे पर नहीं था। उसका सारा ध्यान उस 2 रुपए के सिक्के पर था जो कार के डैशबोर्ड में रखा था। बार बार रिया को इशारा करके वो सिक्का देने के लिए कह रही थी, 2 रुपया दे देना, जोड़ी सलामत रहे, देना, 35, 34, 33। विनय का ध्यान भी उन्हीं डिजिट्स पर था। जब विनय ने देखा कि दूर सिग्नल के पास पुलिस वाले के केबिन के पास में ट्रैफिक हवलदार ने अभी किसी की बाइक रोकी, चाबी निकाल रहा है, लड़ रहा है, कुछ बहस चल रही है। केबिन के अंदर से दिख रही है एक छोटी सी बच्ची, स्कूल यूनिफॉर्म पहनी, हाथ में एक शीट लिए हुए खड़ी। उस शीट पर उसने अपने पापा की ड्राइंग बनाई। ट्रैफिक लाइट के सामने खड़े उसके पापा ट्रैफिक रोक रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपने काम में बहुत बिजी हैं तो बच्ची को देख नहीं पा रहे, पर फिर भी उसके लिए वक्त निकाल रहे हैं। ट्रैफिक लाइट पर टाइम दिखता है 10, 9, 8, 7। इतने में विनय और रिया एक दूसरे को देखते हैं, दोनों ही आंखों में कुछ कहते हैं और 3, 2, 1 सिग्नल रेड से ग्रीन हो जाता है। पीछे की गाड़ी के हॉर्न्स का शोर चारों तरफ था, बस इस गाड़ी में नहीं। विनय और रिया को कुछ और सुनाई नहीं दे रहा था, उन्हें सुनाई दे रही थी इस गाड़ी में मौजूद तीसरी जान की धड़कन। ये वो मोमेंट था जब इन दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि नाउ दे वांट बी पेरेंट्स। रिया ने राइट का इंडिकेटर दिया और यू टर्न लिया। उनके मन के मैप ने कहा कांग्रेचुलेशंस यू आर ऑन द राइट ट्रैक। नहीं नहीं कहानी खत्म नहीं हुई है। इन्हीं 60 सेकंड्स में कुछ और भी हुआ उसी लिंक रोड वाली लाल बत्ती पर। सुन लीजिए। अरे
हाँ यार ऑटो में हूँ, घर से गुस्से में निकली तो रिक्शा रोका और भाग गई। भैया को बोला बस चलाओ। अरे क्यों, आखिर हुआ क्या है? क्योंकि मुझे नहीं करनी है शादी, तू बस घर जाके माँ को समझा दे। अरे मैं क्यों, तुझे नहीं करनी शादी, तू समझाना उन्हें। वो इसलिए मिस्टर रोहन कि उन्हें लगता है मिशा को उसकी लाइफ का कुछ नहीं पता, पर रोहन जरूर जानता है। उन्हें लगता है मेरा कोई अफेयर है और मैं बता नहीं रही हूँ। रोहन तू बोलेगा तो माँ मान जाएगी यार। अच्छा बाबा अभी कहाँ है ये बता। लिंक रोड सिग्नल पर तेरे घर, यानी शास्त्री नगर से 5 मिनट। ये सिग्नल 60 सेकंड्स बता रहा है, मतलब 6 मिनट। ओके ओके, लेकिन क्या खराबी है उस लड़के में? वो बहुत लाउड है यार, कोई करियर का विजन नहीं है, कोई एम्बिशन नहीं, और ऊपर से वहाँ किसी ने गाड़ी अड़ा दी तो भाई हेलमेट लेके मारने निकल पड़ा। अरे तो क्या हो गया, गुस्सा तो सबको आता है। तुझे तो नहीं आता, पर लाइफस्टाइल भी कितनी बोरिंग है उसकी, उसे ट्रैवल नहीं पसंद। अरे मैं भी घूम लिया था ना, तेरे साथ रहेगा तो वो भी मेरी तरह घूमने लगेगा। अरे वो दोनों तो विनय और रिया है। क्या, कौन दोनों? अरे सिग्नल पर मेरे ऑटो के पास वाली कार में विनय और रिया है। वो विनय और रिया? हाँ वही, अपने कॉलेज वाले जिन्होंने भाग के शादी की थी। क्या ड्रामा हुआ था उनके घर यार। जबरदस्ती का ड्रामा था, दोस्त थे अच्छे, कर ली शादी। सब दोस्तों की कहाँ होती है। क्या? नहीं, सबकी ऐसी किस्मत कहाँ होती है। तू उस लड़के के बारे में क्या कह रही थी, वो बता। मैंने उससे पूछ लिया खाने में क्या क्या बना लेते हो, तो कहता है मैं सिर्फ चाय बनाता हूँ, वो भी अपने लिए। अब तू यहाँ भी बोलेगी कि मेरी जैसी कुकिंग भी सबको आनी चाहिए। हाँ तो आनी चाहिए ना, तू कितना केयरिंग और हेल्पिंग है यार। अरे वो तो इसलिए है कि तू मुझे 8 सालों से जानती है, उसे वक्त देगी तो क्या पता वो भी अच्छा लगने लगेगा। इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकती हूँ यार रोहन। ठीक वैसे ही जैसे 8 साल पहले मुझसे दोस्ती करने का रिस्क लिया था। अरे तू तो दोस्त है। हाँ ये तो है, मैं तो बस दोस्ती हूँ। रोहन की उस बात के बाद ऑटो में सन्नाटा था। ट्रैफिक लाइट ने सिग्नल दिया 3, 2, 1 और ऑटो चल पड़ा। इतने में मिशा बोली, भैया आगे से यू टर्न ले लो, हमें शास्त्री नगर जाना है। तू मेरे घर आ रही है क्यों? इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल ले। 60 सेकंड ही है साहब, सोचने को तो सिर्फ 60 सेकंड ही है, लेकिन बड़ी बड़ी बात समझा देते हैं। जैसे कि वो पुलिस वाले अंकल जिन्होंने उस बाइक सवार को रोका था उसी सिग्नल पर, क्या हुआ थोड़ा सा रिवाइंड करके सुनते हैं। एक डिलीवरी बॉय की बाइक को लाल सिंह जी ने अभी अभी रोका, चालान बनेगा इसका, रेड लाइट जंप करना चाह रहा था। बाइक बड़ी अजीब थी, पूरी बाइक पर अलग अलग रंगों के चित्र बने हुए थे, अतरंगी डिजाइन सब एक से बढ़कर एक। लाल सिंह जी को ऐसे विचित्र कबूतरों से बात करने में बड़ा मजा आता है, सुनिए। अरे सर जाने दो ना सर, डिलीवरी करनी है, लेट हुआ तो पैसे काट लेंगे। क्यों बे, दिखता नहीं है रेड लाइट हो गई है, 60 सेकंड में कितना लेट हो जाएगा। अरे साहब लोग घड़ी लेके बैठते हैं, 1 मिनट होते ही फोटो खींच लेते हैं, लो 20 सेकंड निकल गए। अरे इतना क्यों सोचता है। अरे साहब बहुत मुश्किल से नौकरी मिली है, मुझे तो करनी भी नहीं थी। तो तुझे क्या करना था? ड्रॉइंग का टीचर हूँ पर नौकरी नहीं है। ला बाइक की चाबी इधर दे और जा अंदर केबिन में, मेरी बेटी पेंटिंग कर रही है, मुझे उससे पेंटिंग सिखानी है, तू सिखा दे, कल से ट्यूशन चालू। पर सर एक बच्चे से। दिल की सुन बच्चे, कम बोलता है पर दिल सही बोलता है। उसी वक्त वहाँ ग्रीन सिग्नल हो गया, सड़क का भी और उस डिलीवरी बॉय की जिंदगी का भी। 60 सेकंड ही तो है जनाब, कभी कभी बड़ी बड़ी बातें छोटी छोटी चीजों से समझ में आती है, बड़े बड़े फैसले 60 सेकंड में ले लिए जाते हैं। आपकी जिंदगी में आए कोई ऐसे 60 सेकंड जिन्होंने एक बड़े सवाल का बहुत ही कम वक्त में जवाब ढूंढ लिया, बताइएगा। आपने सुना रेडियो सिटी रंगमंच में आज का रेडियो नाटक 60 सेकंड्स। पात्र परिचय, सूत्रधार कहानी वाला रजत, रिया आरजे खुशबू, विनय कहानी वाला रजत, मिशा आरजे गीतांजलि, रोहन आरजे अभी, पुलिस वाला कपिल पालीवाल, डिलीवरी बॉय मोहित मेहता, लेखक एवं निर्देशक कहानी वाला रजत, साउंड इंजीनियर कपिल पालीवाल। रेडियो सिटी रंगमंच।